नमस्कार दोस्तों, मैं नाम रोज कुमार हूँ। गौरखम ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि अगर आपको सीसी के लिए अप्लाई किए थे, अगर आपका अकाउंट अप्रूवल हो गया दोस्तों, तो सीसी वाले सिर्फ आईडी देते हैं और पासवर्ड आपको बनाना पड़ता है। यानी कि आपको डिजीमेल के उसके मेल देते हैं और पासवर्ड आपको बनाना पड़ता है। तो चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और कैसे उसको उसको पासवर्ड बनाते हो, कैसे सीखते हैं, अगर ये पूरा वीडियो आप देख लें दोस्तों, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 100% आप इजीली से आप पासवर्ड बनाने के लिए सीख जाएंगे। तो चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और सीएससी का पासवर्ड और डिजीमेल का पासवर्ड कैसे बनाते हैं, चलिए सीख लेते हैं। तो दोस्तों मैं अपने ईमेल पर आ गया हूँ, अपने मेल को खोल लिया हूँ और मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ कि जो मैंने अप्रूवल हुआ है वो आपको देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने मेल पर आ गया हूँ और यहाँ पर आप पढ़िए दोस्तों, यहाँ पर आपको यानी कि आपको 11 फरवरी के मेरे पास मेल आया था दोस्तों कि मेरा अकाउंट अप्रूवल हो गया है। ये देखिए, ये सीसी का मेल आया था और ये मैंने देख लिया, मेरा अकाउंट एक्सेप्ट हो गया है। तो चलिए ये आप देख लिए और आप आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतना तारीख को मेरे अकाउंट में ये मेरे इतना तारीख को ये मेल मुझे आया था। तो आप इसको कैसे पासवर्ड इसको चेंज करेंगे, तो चलिए आगे मैं आपको चेक करवाता हूँ। मैं फिर आपको सी एस सी वाला के साइड पर मैं फिर से आ गया हूँ दोस्तों और मैं यहाँ पर आपको दिखलाता हूँ कि आप यहाँ पर मैं आपको दिखलाता हूँ इसका एप्लीकेशन स्टेटस, मैं आपको दिखलाता हूँ दोस्तों कि मेरा एक आईडी, अपना आईडी में आपको यहाँ पर जैसे एप्लीकेशन एप्लीकेशन चेक एप्लीकेशन स्टेटस का आप इसको आप देखिएगा तो ये आपको बता देगा। तो देखिए मेरा ये आईडी है और ये मेरा आईडी है दोस्तों। और पहले क्या होता था दोस्तों कि पहले आपको डिजीमेल के भी मेल यहाँ पे आया करता था, डिजीमेल का आईडी पासवर्ड भी आया करता था, लेकिन अब वो हटा दिया है। चलिए इस आईडी को मैंने कॉपी कर लेता हूँ और इसको कैसे पासवर्ड चेंज करेंगे चलिए आपको मैं दिखला देता हूँ। गूगल खोल लिया दोस्तों, इसमें आपको लिखना है डिजिटल सेवा और डिजिटल सेवा पोर्टल पर को आपको क्लिक कर ली है दोस्तों। अब आपको जाना है लॉगिन में, देखिए ऊपर लॉगिन होगा, हाँ वहाँ पर आप क्लिक करना है। और लॉगिन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जाना है फॉरगेट पासवर्ड में जाना है दोस्तों। और यहाँ पर आपको जो आईडी आपको कॉपी किए थे उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जैसे फॉरगेट पर आप क्लिक करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है यूजर नेम और ईमेल और यहाँ पे कैप्चर। तो आपको यूजर नेम यानी जो आईडी जो हमने कॉपी किया था उसको उसमें पेस्ट करेंगे और जो ईमेल ईमेल जो आपको रजिस्टर्ड है वो आपको यहाँ पर टाइप करेंगे और यहाँ कैप्चर टाइप करके गेट ये न्यू पासवर्ड पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं दोस्तों, तो आपको जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको क्या कह रहा है दोस्तों कि ईमेल विथ यानी कि जो भी ईमेल है उस पर आपको एक लिंक भेजा है, उस पर आपको सेंड किया गया, उसको खोल के उसको वहां से क्लिक कीजिए। तो चलिए अब मैं ईमेल खोलता हूँ और मेरे पास देखिए ईमेल आईडी पर एक लिंक आया होगा, ठीक है। तो चलिए मैं अपना ईमेल खोलता हूँ। तो देखिए फॉरगेट योर पासवर्ड यहाँ पर देखिए, और देखिए आगे क्रिएट, इस पर आपको क्लिक करना है, क्रिएट क्रिएट पासवर्ड पर आपको क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर एक पासवर्ड आपको बनाना है। तो पासवर्ड किस तरह से बनाएंगे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपका नाम के एक बड़ी लेटर और फिर 0 से 9 तक कुछ लेटर ले लीजिए और फिर @#$ यानी कि कम से कम 3 करेक्टर से मिलकर आपको पासवर्ड बनाइए। नाम में एक आध गो बड़ी लेटर रखिए, फिर 0 से 9 तक में कुछ अंक रखिए 2-3 गो, फिर आपको @#$% इसमें से कुछ रख लीजिए और वहीं पर आपको दोनों सेम पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड में वही आपको टाइप कीजिए और फिर चेंज पासवर्ड पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे चेंज पासवर्ड पर क्लिक करते हैं दोस्तों, तो आपका पासवर्ड चेंज होता है, क्या कह रहा है कि योर पासवर्ड सक्सेसफुली रीसेट यानी कि आप पासवर्ड अपना चेंज आप कर लिए। अब मैं आपको लॉगिन होकर आपको मैं दिखलाता हूँ कि कैसे इसको लॉगिन हुआ जाता है, ठीक है। तो चलिए फिर से हम लोग चलेंगे डिजिटल सेवा लिखेंगे और फिर डिजिटल सेवा लिखे और फिर जाना है आपको लॉगिन में और यूजर नेम यानी आपको यहाँ टाइप करना है और पासवर्ड जो अभी आप बनाए
उसको आपको टाइप कर देना है, और टाइप करके साइन इन पर आपको क्लिक करना है। जैसे साइन इन पर क्लिक करते हैं तो देखिए आगे में, और आपको मैं बताना चाहूँ, जैसे क्लिक करते हैं उसके बाद यस कर दीजिए। यस करने के बाद देखिए और आपको प्रोसेस क्या करना होगा। उसके बाद देखिए इस तरह से आपको अकाउंट देखिए आगे में बढ़ रहा है, देख लीजिए। उसके बाद देखिए और कुछ करना है अभी आपको, आप देखिए यहाँ पर आपको अपना सेंटर को आपको फिर से एड्रेस पूछ रहा है, तो आप दे लीजिए कि आपका रूलर में है यानी गांव में है कि शहर में है। वो सारा चीज़ आपको यहाँ पर मैं टाइप कर दिया, और उसका सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है, यानी कि आप अपने सेंटर को फिर से आपको वेरीफाई कर देना है कि मेरा मेरा सेंटर कहाँ पर है, कौन जगह में है, पूरा उसका एड्रेस को टाइप आपको कर देना है। टाइप करने के बाद आपको सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। टाइप करने के बाद आपको सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यह आपको कुछ पूछ रहा है दोस्तों, ये आपको कुछ पूछ रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपको कुछ पूछ रहा है, ये आपको क्वेश्चन को आपको यस नो में हल करना है, तो आप देख लीजिए। सभी में कुछ न कुछ यस होता है, लेकिन एक का चीज़ में नो होता है, तो ये आपको इस पर आप देख लीजिए, और पढ़ पढ़ के आपको टिक आपको लगा देना है। ठीक है दोस्तों, पढ़ पढ़ के आपको टिक लगा देना है, और लगा के आपको सभी पर क्लिक कर देना है। अपने हिसाब से पढ़ के टिक लगा के आगे में बढ़ जाइए। और जैसे आप बढ़ते हैं दोस्तों, तो देखिए मैं आपका लॉगिन हो चुका हूँ अपने CSE पोर्टल में, यानी कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लॉगिन हो चुके हैं। कोई खुशी की बड़ी बात है कि बहुत बहुत आपने मेहनत किया और यहाँ तक आप पहुँचे हैं। बहुत अच्छा लगता है अगर ये चीज़ यहाँ तक आपको हो जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी की बात होता है दोस्तों, क्योंकि बहुत आपने मेहनत किया यहाँ तक आने के लिए। जिस तरह से आप कोई जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, नौकरी लगे दौड़ धूप करते हैं, मेडिकल फेडिकल सब तैयारी करते हैं, उसी तरह से इसको भी है दोस्तों, और बहुत मेहनत के बाद यहाँ पर आप पहुँचे। आप खुद एग्जाम दिए हैं, कैसे कैसे करके यहाँ इतना आप पहुँचे होंगे मैं जानता हूँ। आप 3-4 महीने से 5 महीने से लगे होंगे, मैं खुद लगा हुआ था दोस्तों, और तब आज जाके मुझे ये सक्सेसफुली हुआ है। अब यहाँ पर आते हैं दोस्तों प्रोफाइल पासवर्ड में। प्रोफाइल में दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए, प्रोफाइल में आपको सब चीज़ आपका डिटेल्स आपको दिखलाएगा, आपका ईमेल आईडी दिखाएगा, आपको DGmail दिखाएगा। अब आपको DGmail का पासवर्ड चेंज करना है, तो मैं ये कहूँगा कि DGmail का पासवर्ड मैंने चेंज किया था लेकिन मुझसे नहीं हो पाया चेंज, आप लोग चेंज कीजिएगा होता है कि नहीं, लेकिन आगे चलिए चेंज करके हम लोग देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं, अब DGmail का जरूरत है कि नहीं, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर देखिए ईमेल और DGmail मोबाइल नंबर सब स्टेट सारा चीज़ शो कर रहा है, ठीक है। तो चलिए अब मैं DGmail को पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं उसको भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको फिर यहाँ पर आ जाना है दोस्तों, और यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट को टिक लगा दी है, और ये कैप्चर को मैंने, अगर कैप्चर को समझ में नहीं आया तो आप चेंज भी रिफ्रेश करके चेंज भी कर सकते हैं, और कैप्चर सही से डालकर आई कन्फर्म पर क्लिक करके सबमिट करके आगे मैं आपको बढ़ना है दोस्तों। तो चलिए मैं आगे में बढ़ता हूँ, और आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको जो भी आपके पास या आपको मंत्रा डिवाइस है या मारफूस को आपको कंप्यूटर में लगा लेना है, और आपको आपको अपने अंगूठा के आपको स्कैनिंग करवाना है, और जैसे करवाएगा तो आपको अप्रूवल होगा, आप खुद अपना ही जो आपको आईडी जिनके नाम से है उनको ही। तो देखिए ये अब मैंने अंगूठा लगा दिया हूँ, और वहाँ पर आई हैव इस पर आप देखिए टिक लगा कर इस पर स्टार्ट कैप्चर पर क्लिक करते हैं, ये आपको वैलिडेट हो गया, और देखिए मेरा अंगूठा ले लिया और खुल गया। अब यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ कि DGmail का पासवर्ड चेंज कैसे करना है। तो यहाँ पर आना है दोस्तों, और DGmail का पासवर्ड देखिए यहाँ पर क्लिक करना है, आपको न्यू पासवर्ड बनाना है। ऊपर आप देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आपको देख लीजिए आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, और ये आपका डेट ऑफ बर्थ,
ये सब आपको टीसी का नंबर, ये आपको ये टीसी का नंबर होता है दोस्तों, ये आपको सीसी की आईडी होता है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक पासवर्ड आपको बनाना है, जिस तरह से आप सीसी के पासवर्ड बनाए उसी तरह से आपको डिजीमेल का पासवर्ड बनाना है। तो चलिए मैं पासवर्ड बना के आगे मैं बढ़ता हूँ। जैसे मैं आगे मैं बढ़ूँगा तो, लेकिन मुझे पासवर्ड चेंज नहीं हुआ, तो मैंने किसी से बात किया तो मुझे पता चला कि आप डिजीमेल का पासवर्ड चेंज नहीं हो रहा है, या अभी बाद में हो सकता है, या इसका कोई ज़रूरत भी नहीं है। मेरे समझ से तो ये लग रहा है कि आप ये इसका काम अब ख़त्म हो गया, और आपको जो ईमेल है इसी मेल पर आपको वहाँ से सूचना जो भी आएगा इसी मेल पर आएगा। पहले डिजी मेल पर आया करता था, लेकिन अब ये शायद कुछ अपडेट करके हटा दिए हैं, इसलिए नहीं आ रहा। अगर आप लोग चेंज करके देखिएगा, अगर चेंज होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि चेंज हो गया। ठीक है, आप यहाँ से और चीज़ क्या कर सकते हैं दोस्तों, अपना आईडी, जैसे आप अपना आईडी डाउनलोड कर सकते हैं, अपना आईडी डाउनलोड कर सकते हैं, और अपना जो सर्टिफिकेट होता है उसको भी अब हमने प्रिंट में, मैं भी अपना प्रिंट कर लेता हूँ कि मुझे बाद में इसको ज़रूरत पड़ती है। और इसका एक सर्टिफिकेट यहाँ से देखिए डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये देखिए ये सर्टिफिकेट है, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सारा चीज़ यहाँ से अपना प्रोफाइल, केवाईसी, सारा चीज़ आप सेट कर सकते हैं, और यहाँ से डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का डिटेल्स भी आप निकाल सकते हैं, उनसे बात भी कर सारा चीज़ कर सकते हैं। तो ये फाइनली हो गया, लेकिन डीजीमेल के पासवर्ड चेंज नहीं हो पाया। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।